दोस्तों, अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये कुछ स्टेप मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें आपको हेल्प होगी कि प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप एक राइट प्रॉपर्टी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो डिसीजन है वो परफेक्ट होगा। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो बिना स्किप किए इसको अंत तक जरूर देखें। बड़ी है 10 स्टेप बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है 10 के 10 स्टेप, और आप एक बार इस वीडियो के अकॉर्डिंग इस स्टेप को फॉलो कीजिए और फिर आप प्रॉपर्टी में देखना कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है और या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 1, तो पहला स्टेप क्या है, आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी हो करो तो स्टेप नंबर 1 को सबसे पहले आपने फॉलो करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है बजट सेट करना। यानी जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को आप साइड में रख दीजिए, कुछ भी आप प्लान करते हैं, घर में फर्नीचर लेते हैं, कोई अच्छा टीवी लेते हैं या कुछ अच्छी आप अपनी दैनिक लाइफ की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया प्लान करते हैं, तो आप एक बजट सेट करते हैं कि मुझे इतने बजट तक ये चीज़ चाहिए। उससे ज़्यादा तो नहीं जाते ना, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चीज़ खरीदते हैं। तो यहाँ भी हम बजट से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमें अपना जो बजट है उसको सेट करना पड़ेगा, और आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ दोस्तों ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको साथ के साथ हम रीड भी करेंगे कि सबसे पहले आपको अपना जो बजट है वो डिसाइड करना है, आप कितना स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये भी देखना है आप कितना बजट है वो लगा सकते हैं, कितना स्पेंड अपना है आपने करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका बजट 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का बजट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। मेक श्योर आप डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होते हैं और अदर हिडन कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी एक बजट का 1 करोड़ रुपए का आपका बजट है और आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी को शॉर्ट लिस्ट करने, आपने कोई 5-7 प्रॉपर्टी है देखी, अलग अलग एरिए के अंदर देखी, आपने अपने उसमें से कोई प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्ट की, फिर उसमें से आपने ये देखना है कि भाई आपके जो 1 करोड़ की जो 1 करोड़ का जो बजट है उस बजट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, कौन से हिडन चार्जेज हैं जिसमें आपके बजट के अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाए, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। डाउन पेमेंट आपने कितनी करनी पड़ेगी उसके अंदर, और अगर आपने लोन लेना है तो कितना होगा उसमें, साथ में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो कितना लगेगा, जैसे कि फीमेल का 5% लगता है, जॉइंट का 6% लगता है और मेल का 7% लगता है, तो ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है मेल, जॉइंट और फीमेल मेल का। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप 1 करोड़ का, ठीक है, फ्लैट देख रहे हैं तो अप्रोक्स 10 से 15 लाख रुपए की का जो पेमेंट है वो आपके पास डाउन पेमेंट के लिए रेडी होना चाहिए। यानी 1 करोड़ का आपकी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आप देखेंगे कि भाई जो मतलब मोटा मोटा 90 के आसपास का बजट वो करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज भी आपको पे करना होगा, तो इसके लिए क्या होगा कि 10 से 15% यानी 10% की पेमेंट आजकल डेवलपर लेते हैं, जिसमें आपके जो डाउन पेमेंट का पैसा है, जिसमें अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमने स्टेप में अपना बजट बना दिया, प्रॉपर्टी ट्राई कर दी, सारी चीज़ें सेट कर दी, हमने डाउन पेमेंट के लिए पेमेंट भी हमने 10-15 लाख रुपये है वो रख ली। अब स्टेप नंबर 2 को देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। आप साथ के साथ दोस्तों इसको नोट भी कर सकते हैं साथ के, ताकि अभी कल आज प्रॉपर्टी ट्राई नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, ठीक है, इसको समझते हैं। होम लोन की जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो चेक करना, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी को ट्राई कर लिया, आपने डाउन पेमेंट के लिए 10-15 लाख रुपए भी रख लिए, अब जो आगे का जो 1 करोड़ तक का जो बजट है 10-15 लाख के अलावा, अब उसको चेक करेंगे हम किस में, लोन के लिए, कि हमारी जो एलिजिबिलिटी है क्या वो उतनी है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या, अब आपको अपनी होम लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। डिफरेंट डिफरेंट बैंकों के अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर, इनकम
और करंट जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आपकी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपने सारी चीज़ें आपने चेक करानी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर है वो चेक करना पड़ेगा, इनकम, और जो इस टाइम आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो होम लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे, अगर आपकी मंथली सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपये, ठीक है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, 1 लाख, तो आप 70 से 75 लाख तक का जो लोन है वो ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर। ठीक है, ये चीज़ें चेक की जाएंगी। 1 लाख की सैलरी है तो 70 से 75 लाख रुपए तक का आपका बैंक लोन हो गया है, और आपके अगर उससे भी अच्छा क्रेडिट स्कोर अगर आपका आता है तो समय पे, जैसे पहले क्रेडिट कार्ड पे या अदर आपने लोन लिए तो वो समय पे आपने पे किया, तो हो सकता है आपको ज़्यादा लोन मिल जाए, और आपने 10-15 लाख की जो EMI डाउन पेमेंट थी वो, और अगर 75 का ये हो जाता है तो 90 के आसपास का आपका जो है जो फंडिंग है वो आपके पास है, वो आ चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट के ऊपर। हमने प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया था, दूसरा हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, अब होम लोन की एलिजिबिलिटी हमने चेक कर ली। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3। ठीक है, लोकेशन सेलेक्ट करना। ठीक है, लोकेशन सेलेक्ट करना है। हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी थी कि भाई हमने 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी है वो लेनी है, हमने प्लान किया। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया है अपना जो होम लोन की एलिजिबिलिटी कि मेरा लोन है वो कितना हो रहा है। अब हमारे पास पैसा भी हो गया, हमने पैसे के कितने करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो चेक करनी है। अब हमारा स्टेप नंबर 3 जो कहता है वो ये कहता है कि आपने जो प्रॉपर्टी प्लान की है उसके अकॉर्डिंग अब आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, आपको किस लोकेशन के अंदर प्रॉपर्टी है या घर है वो चाहिए है। लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुड़गांव में आपको कुछ प्राइम एरिए जैसे कि गोलकोस्ट रोड, HPR और सोना रोड मिलेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे मिलेगा, न्यू गुड़गांव मिलेंगे। आप अपनी कम्युनिटी, स्कूल, ऑफिस, नियर बाई एमिनिटीज़ के हिसाब से लोकेशन चूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, भाई आपके स्कूल है बच्चों का आसपास में है, आपके जो कम्युनिटी है आप लोगों के या आपके दोस्त फ्रेंड जो भी जहाँ भी आसपास के रह रहे हैं, रिश्तेदार रह रहे हैं उसके आसपास अगर आप ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करें, ऑफिस के आसपास ट्राई कर सकते हैं, आसपास कोई अच्छी एमिनिटीज है उसके हिसाब से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करने हैं, जहाँ पे भाई आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा है आसपास का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। अगर आपका ऑफिस साइबर सिटी में है तो गोलकोस्ट रोड, ठीक है, या DLF 1-5 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। इसी हिसाब से बाकी एरिए भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो ट्राई करनी पड़ेंगी। स्टेप नंबर फोर क्या कहता है, बिल्डर रेपुटेशन चेक करना, कि जो बिल्डर की जो रेपुटेशन है उसको भी ज़रा आप चेक कर लेना कि डेवलपर कैसा है, समय पे बना देगा, उसने पहले प्रोजेक्ट हैं वो किस तरीके के बना रखे हैं, कि अच्छे भी डिलीवर किए हैं, टाइम पे दिए हैं नहीं दिए हैं, ये सारी चीज़ें आपने चेक करना है। घर खरीदते टाइम बिल्डर की रेपुटेशन को चेक करना ज़रूरी है। आप रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर ही फोकस करें ताकि कोई लीगल इशू ना हो। ठीक है, ऑनलाइन रिव्यू और मार्केट रेपुटेशन भी देखना ज़रूरी है कि डेवलपर का जो मार्केट के अंदर जो व्यवहार है वो कैसा है, कस्टमर को लेके कैसा है, प्रॉपर्टी अच्छी बनाता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी देता है, मेंटेनेंस अच्छा करता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। सोसाइटी के अंदर सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, समय पे आपको जो डिलीवरी है, जो प्रोजेक्ट की पोजीशन है वो समय पे दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपने डेवलपर की है वो चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, सपोज आप शोभा या DLF पे से ख़रीद रहे हैं, इनका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड विच गिव यू पीस ऑफ माइंड। ठीक है,
तो यानी कुछ एग्जांपल है, वैसे शोभा भी हैं, कई ऐसे डेवलपर हैं जो लिस्टेड हैं आज के टाइम पे गुड़गांव में, और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी इन्होंने प्रोवाइड की है। तो आप किसी भी डेवलपर की प्रॉपर्टी है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने डेवलपर के अकॉर्डिंग, अपने लेआउट के अकॉर्डिंग, लो राइज, हाई राइज, फ्लो, वो सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। स्टेप नंबर फाइव पे हम फोकस करते हैं साइट विजिट और प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। भाई साइट विजिट करके हमें ये पता लगेगा कि प्रॉपर्टी कैसी है, कितनी दूर है, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रोजेक्ट के पास कैसा है, वहाँ के आसपास की सोसाइटी किस हिसाब से वहाँ पे डेवलप है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे करनी है। कारण है कि आप जहाँ भी फ्लैट देख रहे हैं वहाँ एक बार ज़रूर विजिट करें, प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर, क्वालिटी और उसके आसपास ज़रूर चेक करें कि किस टाइप की लोकेशन आसपास की है वहाँ पे। कभी कभी ग्राउंड रियलिटी अलग होती है और कंपेयर टू ब्रोशर, यानी जो ब्रोशर के अंदर आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, मॉडल में दिखाई जाती हैं, असेंबल फ्लैट में, वो चीज़ें अलग होती हैं। आपको साइट पे जाके वहाँ की पूरी ग्राउंड रियलिटी को चेक करना चाहिए कि अगर आप देखना चाहते हैं जैसे कि रेडी टू मूव, अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या उसी हिसाब से वो चीज़ें बन रही हैं जिस हिसाब से दिखाई जा रही है। सारी चीज़ें आप लोगों ने साइट के ऊपर जाके देखनी है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अगर समझे, आप एक फ्लैट देखने गए, ठीक है, और वहाँ पार्किंग स्पेस नहीं है या एमिनिटीज लाइक जिम या पार्क एडवर्टाइज की गई थी बट एक्चुअल में वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, ये हो सकती है आपको चीज़ें कुछ और दिखाई गई हो लेकिन एक्चुअल साइट के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए, प्रोजेक्ट देखना चाहिए, विजिट करनी चाहिए। प्रोसेस से चले तो बेटर रहेगा और प्रोसेस से ही आप सही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी जो लीगल क्या चेक करने हैं डॉक्यूमेंट और उनको वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं है। अपनी ड्रीम होम डील फाइनल करने से पहले इंश्योर करें कि आपके पास सब डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट चेक करना ज़रूरी है, लाइक सेल डीड है, उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है कि उसकी सेल डीड बनी हुई है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसके पास है, ओसी सर्टिफिकेट उसके पास है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है, उसके पास अलॉटमेंट लेटर है, बिल्डर बाय एग्रीमेंट है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस चीज़ में आपको ये सारी चीज़ें हैं चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फॉर इंस्टेंट अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इंश्योर करें कि पूरा चेन ऑफ ओनरशिप क्लियर हो और कोई डिस्ट्रीब्यूट ना हो, यानी उन्होंने जब शुरू में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी डायरेक्ट डेवलपर से, अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो क्या उन्होंने जब जब जैसे जैसे वो प्रॉपर्टी किसी और को बेची है तो वो चेन जो ओनरशिप है क्या वो सही ट्रांसफ़र हो चुकी है, कोई डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है किसी अदर के ऊपर की प्रॉपर्टी उसने कई लोगों को बेच दी है और वो आपको भी बेच रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर्टी सही में ही है या नहीं है। स्टेप नंबर 7, टोकन अमाउंट और एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। वो कैसे, जब आपको अपनी ड्रीम होम मिल जाए तो आप टोकन अमाउंट देंगे और एग्रीमेंट टू सेल साइन करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में सब टर्म और कंडीशन लिखे होते हैं जो बायर और सेलर के बीच डिसाइड होते हैं। यानी जब आपने क्या किया, बजट बनाया, होम लोन चेक किया, फिर लोकेशन चेक की, फिर प्रॉपर्टी की विजिट की, विजिट करके आपने सारे डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के चेक किए, प्रॉपर्टी सही है, उसके बाद आप एग्री होते हैं कि हाँ अब इस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, तो एक टोकन अमाउंट है वो आप सेलर को देते हैं और उसके बीच और आपके बीच यानी बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अंदर सारी जो टर्म कंडीशनें हैं वो लिखी जाती हैं, उसको प्रॉपर तरीके से रीड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे फिर प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं तो अप्रोक्स 1 से 2 लाख रुपए आप टोकन अमाउंट देना होता है, जिसके बिहाफ पे एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है और आप डील को आगे बढ़ा लेते हैं।
दोस्तों स्टेप नंबर 8 के ऊपर आ गए, होम लोन सेक्शन करना। क्या है, हमने जब स्टार्ट किया था प्रोसेस को, प्रोसेस में हमने 1 करोड़ का बजट बनाया, फिर हमने होम लोन एलिजिबिलिटी हमने चेक किया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी की लोकेशन ट्राई की, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी की विजिट की, विजिट करने के बाद हमने प्रॉपर तरीके से उसके जो डॉक्यूमेंट है वो देखे, हमने टोकन दे दिया। अब हमारा नंबर आ जाता है, वो है लोन लेने का। यानी टोकन देने के बाद आप अपने होम लोन प्रोसेस को फाइनलाइज करें, बैंक आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और लोन अप्रूव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आप SBI या HDFC से लोन ले रहे हैं तो ये प्रोसेस अराउंड 15 से 20 दिन का होता है, प्रोवाइडेड सब डॉक्यूमेंट क्लियर हों, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। ठीक है, तो अपना जो लोन है वो प्रॉपर तरीके से पास करवा लीजिए, कितना लोन करवाना है, कितनी डाउन पेमेंट आपने देनी है, उसके हिसाब से बैंक कितने परसेंट का आपको इंटरेस्ट लगाएगा। आप अलग अलग बैंकों से ये चीज़ें चेक कर लें कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट किस बैंक का आपको सस्ता पड़ता है, उसके हिसाब से आगे प्रोसेस करें। स्टेप नंबर 9, फाइनल पेमेंट एंड पजेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। लोन अप्रूव्ड होने के बाद फाइनल पेमेंट करनी होती है। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो पोजीशन लेने का टाइम आता है। ठीक है, यानी हमने सारी पेमेंट भी कर दी और अब प्रॉपर्टी की हम है ना वो ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, तो अगर प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है तो आपको 1 मंथ के अंदर ही पोजीशन मिल सकता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्टेप नंबर 9 के अंदर अब ये देखना होगा कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं या पोजीशन के नियर बाई वाली प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या आप फ्रेश में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लंबा टाइम मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो अब ये देखना होगा कि वो उसका टाइम कितना हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या उसी अप्लाई है नहीं है, उसके हिसाब से आपका जो बैंक है वो आप फंड करेगा डेवलपर को, या आपने कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो पैसा देगा किसको, जो सेलर है उसको। तो ये इसमें कई तरह की कंडीशन है, वो आपने चेक करनी है जब आप प्रॉपर्टी है वो ट्राई करते हैं। तो लास्ट पॉइंट है हमारा स्टेप नंबर 10, घर की रजिस्ट्री और ओनरशिप ट्रांसफर। यानी आपकी घर की रजिस्ट्री होने का नंबर आ चुका है, हमने बिल्कुल शुरू से शुरू किया था और अब हम रजिस्ट्री, यानी अब हमने घर लेना है और उसका ओनर की जो ओनरशिप ट्रांसफर हमने अपने नाम करनी है। तो फाइनल स्टेप होता है घर की रजिस्ट्री करना। इसमें स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जो चार्ज हैं वो अप्लाई होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यानी आप कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हरियाणा में खरीद रहे हैं, राजस्थान में खरीद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खरीद रहे हैं, मुंबई में खरीद रहे हैं या किसी अदर स्टेट में खरीद रहे हैं, तो वहाँ की जो स्टैंप ड्यूटी है वो डिपेंड करती है क्या है। जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो फीमेल पे लगता है 5% का, ज्वाइंट के ऊपर लगता है 6% का, और मेल पे लगता है यहाँ 7% की स्टैंप ड्यूटी चार्ज है यहाँ पे देना पड़ता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि गुड़गांव में अप्रोक्स 5-7 स्टैंप ड्यूटी लगती है। घर की रजिस्ट्री होने के बाद ऑफिशियली आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं, यानी आपका जो मकान है वो आपको मिल जाता है और आपके नाम से एक प्रॉपर्टी है वो हो जाती है। ये प्रोसेस दोस्तों आपको शुरू से लेके एंड तक का प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेगा, आपको कैसे किस किस प्रोसेस में चलना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो थी, ताकि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी एक अच्छे प्रोसेस से खरीदें, ताकि आपका पैसा, आपकी लोकेशन, आपका मकान आपको सही मिल सके, पैसा खराब ना हो, लोकेशन बुरी ना हो सके, इसलिए प्रोसेस टू प्रोसेस हमें चलना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।